मोदी है सब कुछ यहाँ, तो हम तो मोदी को भगवान मानते हैं। भगवान मानते बिल्कुल। नाम नहीं पूछी है, नाम नाम बताया, नाम नाम पूछ लिया, नाम को लेकर के नाम पूछ लिया, मामला खत्म। नहीं 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 नहीं, हम योगी मोदी विरोधी नहीं। आप ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं। क्या आप रोजगार हैं या बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं, रोजगार का आदमी। गाड़ी खुद चलाते हम, क्या क्या मुंह मांगे किराए मिल रहे हैं, मुंह मांगे बोलते भैया 1000 लगेंगे, हाँ भाई तब देंगे। भाई साहब 3 दिन से घूम रहा हूँ, जिस ऑटो वाले का जो मुंह से निकलता है वो चाहिए। कह रहा है कि पैर टूट गया है लेकिन हिम्मत है तो रोजगार ढूंढ लिया है। हिंदुस्तान की असली समस्या है फ्री, फ्री बटना ही सबसे बड़ी समस्या है। पेड़ मीडिया बहुत चल रही है, पूरे दिन मोदी जी मोदी दिखाते रहते हैं, और तो कुछ ही नहीं। योगी जी की जो सरकार है बहुत बढ़िया सरकार, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश होने के बाद भी इतनी बढ़िया सरकार चलाना एक बहुत बड़ी बात है अपने लिए। बहुत अच्छी सरकार है योगी सरकार, जो है ना बहुत बढ़िया है। जहाँ भी अपन सुनते हैं कि योगी सरकार बढ़िया है, अच्छी। लोग आरोप लगाते हैं तरह तरह के कि योगी मोदी भाई दोनों ही अविवाहित हैं तो उनको देश चलाना नहीं आता है, ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब योगी बहुत बढ़िया, माने बहुत बढ़िया सरकार है वो, बहुत बढ़िया सरकार है। क्या कुछ ऐसा लगता है कि भाई योगी ही रहना चाहिए, योगी इतना बढ़िया काम? तो योगी क्या है कि शुरू से ही है ना वो महात्मा आदमी है, हाँ शुरू से महात्मा आदमी, वो बढ़िया आदमी है। थोड़ी व्यवस्था वे गंभीर हो रही है कि रोड है ना थोड़े सकरे लग रहे हैं, जैसे जाने में आने में तकलीफ लग रही है लोगों को। अखिलेश यादव के बारे में क्या क्या दिखता है? अखिलेश यादव के बारे में तो मेरे को समझ में कुछ आता नहीं है सर। हाँ क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने सरकार बढ़िया चलाई थी और योगी सरकार ने वादे बहुत किए हैं लेकिन विकास कम किया है। क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ से गोवर्धन पर्वत जाओगे आप, 21 किलोमीटर का एरिया पड़ता है रोड, आप उस रोड पे निकल के जाओगे तो 21 किलोमीटर का रोड में आपको इस कदर के खड्डे नहीं रहेंगे कि आपको खाना खाने के बाद में दूसरा खाने की व्यवस्था पड़ जाएगी। जी क्यों 40 दिन में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किए थे योगी साहब ने, लेकिन 40 दिन में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ। तो अपन लोग क्या है, विकास के तौर पर वोट देगा, किसी को भी दे विकास, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से मथुरा के रहने वाले हैं, यहाँ विकास नहीं हुआ। कोरोना काल में भी कोई नेता लोग आया नहीं यहाँ एक दूसरे की मदद करने के, हमारी हेमा माननीय सांसद हैं वो भी दिखाई नहीं दी। कोरोना काल में एक बोर्ड लगा वृंदावन में कि हमारी सांसद हेमा माननीय गायब हैं, तो इसी मुद्दे पर चुनाव का होगा। अयोध्या के बारे में सुना होगा, अयोध्या के क्या नाम है आपका? बबलू साहू। आपने अयोध्या के बारे में सुना होगा, पहले एक सैफ महोत्सव होता था अखिलेश सरकार में और आज दीपोत्सव होता है, तो अयोध्या के बारे में क्या सुनते हैं, क्या कुछ बदला है? अयोध्या के बारे में बहुत कुछ बदल गया, पूरा अयोध्या ही बदल गया है मान के चलो, जब से मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। और क्या केवल ये सब किसके कारण हुआ? वहाँ राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हुआ, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है सब कुछ यहाँ, तो हम तो मोदी को भगवान मानते हैं। भगवान मानते बिल्कुल। अच्छा आप क्या मानते हैं कि मुलायम सिंह अगर कार सेवकों पे गोली चलवाते हैं, आप उनको क्या मानते हैं? नहीं, कार सेवक को गोली कोई नहीं चलवाता, अगर अगर अधर्म करता है वो काम, गोली चलवाएगा, गाड़ी चलवाएगा, सब कुछ कर सकता है। धर्म वाला आदमी ऐसा करने की इच्छा ही नहीं करेगा। धर्म पे कभी विकास नहीं मिलेगा। आज तेल नाम नहीं पूछी है, नाम बताया, नाम पूछ के वोट नहीं मांगेगा कोई, नहीं नाम बताए, पूछ रहे हैं ये पूछे ना? मेरा नाम मोहम्मद साकिर कुरैशी है, ठीक है ना? इसीलिए आगे आए, इधर आइए, आगे इधर आगे, कोई नहीं। आप कुछ नहीं होने वाला, बस मामला खत्म। नाम पूछ लिया, नाम को लेकर के नाम पूछ लिया, मामला खत्म। निश्चित है ये कि नाम जानते, जय श्री राम। बात ये निश्चित है, अगर मुस्लिम है तो योगी का विरोध होगा, बिल्कुल 100% मोदी का विरोध ही होगा। अच्छा ऐसा मोदी बात इसका नहीं है, बात इसका है। हाँ अंदर में किसको पता कौन किसको वोट डाल के आ रहा है, बताइए। आप मुस्लिम हैं इसलिए योगी मोदी विरोधी हैं? नहीं 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 नहीं, हम योगी मोदी विरोधी नहीं, वो कारण क्या है, कुछ ऐसे नाम सुनते क्या किया, नाम क्या, नाम सुन के विरोधी बन गए? अरे ऐसे तुम आप लोग इंसान है, हम भी इंसान है। आप जो किए विकास और बेरोजगारी, ये आप लोग ये युवा पढ़े लिखे डोल रहे हैं समाज के, इनके लिए बेरोजगारी कहाँ दुनिया, क्यों बकता? नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर कुरैशी। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। क्या आप रोजगार हैं या बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं, रोजगार का आदमी के ऊपर पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया, आदमी हाई नहीं रहे। क्या किया है आपने, पढ़ाई क्या की?
पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई से क्या पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई से क्या गन्ना आदमी काम कर रहा है, पढ़ाई की है नौकरी जो भी ये एमबीए कर रहा है क्या? हाँ बताइए, रोजगार कैसे मिलेगा और किस? अच्छा ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ मैं क्या पढ़ाई किया नहीं किया? मैंने पढ़ाई नहीं की, चार तक पढ़े, पांच तक पढ़े, आठ पढ़ा, वो बहुत दिन पुरानी है। आपको नौकरी क्या मिली? देखो ये एमबीएस लड़का खड़ा है बराबर में, हाँ आपने आप क्या नाम ये? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद क्या किया है आपने? मैंने एमबीए किया है। एमबीए किया है आप इसलिए बेरोजगार हैं? यस। आपने एमबीए किया इसलिए बेरोजगार हैं? अच्छा बताइए आप किस लिए बेरोजगार हैं? ये मैं पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से बेरोजगारी, आदमी आ रहा है उसमें पैसे नहीं है घूमने के लिए, इसीलिए बेरोजगार हैं? नहीं भाई बेरोजगार तो नहीं, अच्छे खासे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। सुबह अकन भी तीन गाड़ी है, हमारे कम 10 गाड़ी है, 3 मेरी है, 3 भाई की है, 3 हमारे इनके पास 7 गाड़ी है। भाई साहब हमसे अच्छा कमा रहे होंगे डेली का, ये गारंटी इस बात की पक्की बात बता रहा हूँ मैं। का तकलीफ है हमारे पास, महीने का 70-80 हज़ार रुपए मेरे महीने का आता है, गाड़ी खुद चलाते हम, क्या क्या मुँह मांगे किराया मेरे मुँह मांगे बोलते भैया 1000 लगेंगे, हाँ भाई तब देंगे। इन्होंने पढ़ाई की नहीं, एक मिनट आ गया, ये आपने पढ़ाई की, इधर आइए, आपने पढ़ाई की नहीं, आपको आपको नौकरी किसमें चाहिए? अरे नौकरी नहीं चाहिए तो रोजगार किसका चाहिए? रोजगार इसका है जो इन पे पैसा, इस बात का रोजगार मिलना चाहिए, काम करो, रोजगार है, काम नहीं करोगे, काम करो आप बनिए, मेहनत करो, सब कुछ है, काम नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? पेट्रोल महंगा है, किराया महंगा है, इनका क्या गया? इनका क्या गया? क्या बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब, भाई साहब 3 दिन से घूम रहा हूँ, जिस ऑटो वाले का जो मुंह से निकलता है वो चाहिए आपको, आपको जाना हो तो बैठिए, पैदल ले लिए, सीधी सी बात है। ये बदनाम, एक मिनट और सुनिए, सैटरडे संडे में, सैटरडे संडे में डबल हो गए परसों से, परसों के रेट जो थे वो कल आज में डबल हो गए, जस्ट डबल हर चीज के कह के, ये बेरोजगार बेरोजगारी कह के ये बदनामी की साजिश है। बदनामी का नहीं है, देखिए जिसको जिसको तकलीफ है उसको तकलीफ रहनी है, वो कैसे भी रहेगा, उसको आप सोने के सिंहासन में डाल दीजिए, सुबह शाम दूध घी खिलाइए, लेकिन वो कहेगा भाई मेरा पेट दर्द करने लगा है अब क्योंकि बहुत ज्यादा दूध घी खिला रहे हैं। तकलीफ, असली तकलीफ क्या है ये बताइए? तकलीफ तो भाई देखिए यही लोग समझ सकते हैं क्या है, नहीं देखिए जिसको जो पसंद है, जिसको जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, सीधी सी बात है, जिसको जो नहीं पसंद है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है साका से श्याम बन गया। क्या नाम है? श्याम से साका। श्याम से साका बन गए? पैर टूट गया, मजदूर आदमी था, काम नहीं होता, मार्क्स बेचता हूँ मैं, रोजगार है ना? रोजगार है, कितना बड़ा रोजगार है, रोजगार कर रहे हो? हाँ कितना कमा सकते हैं? मार्क्स कितने रुपए का है? 1 रुपया का है। मोदी जी बिछवाएंगे? आप बेच कितने का रहे हो? कितने का बेच रहे हो? 5 रुपए का बेच रहे हो? 2 रुपए का आता है, 3 रुपए कमा रहे हो, क्या बेचते हैं? बढ़िया काम कर रहे हो आप, क्या दिक्कत है? एक का आता है 5 का बेचते हो, 4 रुपए कमा रहे हो, क्या बढ़िया। तो सुबह से शाम तक 100 बेच लेते हो, 400 रुपए, क्या बात है? कर रहे हैं, सीधी सी बात, जो कर रहा है उसके लिए पैसा। और कह रहा है कि पैर टूट गया है लेकिन हिम्मत है तो रोजगार ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो बेरोजगार कह रहा है वो कौन है फिर? बेरोजगार वो तो मैं कहूंगा दिमागी फितूर है उनका, वो मानसिक रूप से बेरोजगार। ये मुद्दा होने चाहिए, वो होने चाहिए बेरोजगारी पहली चीज। सुन लीजिए, अच्छा आपने क्या किया? एक मिनट मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा आपने आपने इमरान नाम बताया? मेरा मोहम्मद साकिर नाम है। शाकिर जी जी, शाकिर भाई ये बताइए, शाकिर भाई आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने पढ़ाई कुछ नहीं करी, आप लोगों को बीच में पढ़ाई होने के बाद फिर नौकरी किस नौकरी इस चीज में चाहिए? ये मान लीजिए हिंदुस्तान में कितना परसेंट आदमी पढ़ा लिखा है, आप बताइए नौकरी किस चीज में नौकरी चाहिए? आप पढ़े लिखे बताइए हिंदुस्तान में, अपनी बात पहले जनता की सोच हो गई, हमारी तो हो गई, अब जो पीछे नौकरी आप किस में नौकरी चाहते हैं? हम नौकरी ऐसी चीज की नौकरी चाहते हैं कि मैं हम तो कुछ भी नौकरी कर ले। किस हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है? हॉस्पिटल में सुविधा तो, अरे क्या बात कर रहे हो, पिछले 4.5 साल में तो सरकारी हॉस्पिटल की सूरत बदल चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल पलट चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल। और क्या, हम लोग पहले नहीं जाते थे? तुम्हारा क्या बिका है? तुम इनसे पूछो तुम्हारा क्या बिका है, इनसे पूछो तुम्हारा क्या बिका है, इनका क्या बिका है ये तो बताए। रेलम फ्री बैठने का चले जाते हैं, रेलम ना बैठ देंगे, कोई चीज नहीं में जाते हैं, फ्री में, फ्री आपका यही है, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, बिल्कुल फ्री चाहिए जो मिले। ऐसा नहीं है, इनके जैसे
होली तक का राशन फ्री पाएंगे, पा रहे अब तो सरसों को तेल और नमक भी पाएंगे। हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की असली समस्या है फ्री, फ्री बटना ही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। आज से 20 साल पहले देखिए, गवर्नमेंट लेवल पर कुछ भी फ्री नहीं था ना, सब शांति थी, हर चीज फ्री चाहिए, देहना हिलाना पड़े फ्री फ्री फ्री, यही असल समस्या यही है। क्या बात दिया फ्री, फ्री की जगह 10,000 लिया है उन्होंने, 2,000 दिया है तो 10,000 लिया है। आपको फ्री में क्या चाहिए पहले बताओ, फ्री में क्या चाहिए? फ्री में हमको नहीं चाहिए, पब्लिक को खाना चाहिए और क्या चाहिए, मेहनत मिल रही है, रोजगार चाहिए, फ्री में चाहिए। कोई फैक्ट्री है कहीं है, फ्री में क्यों जाएंगे? मेहनत नहीं करते हैं क्या? मेहनत नहीं करना जानते हैं क्या? छुरी थोड़ी पैर रखी है हमने, है अब देखो सरकार एक जगह गिरी तो डीजल 15 रुपए कम कर दो, खाई करे अब 500 कर दो सारे, जब रोक दो पब्लिक तो खा ही रही है, पब्लिक तो खा रही है और खा बैगी काऊ बना रुक रही, ज्यादा करेंगे बहुत गोली तो उड़ाए जाएंगे, बम लगा लगा के, हाँ ऐसा ही करे जाओ, जब किसान बिगड़ जाएंगे ना तो रुकेंगे ना, आती किसान बिगड़ गए और का बिगड़ रहे हैं। परेशानी क्या इस सरकार से परेशानी है? क्या परेशानी है? देखो किसान परेशान, शिक्षक परेशान, प्राइवेट विद्यालय वाले परेशान, सारे सब परेशान है, सही कौन है? बस खुसरे पेड मीडिया है और कौन है? बस जो मीडिया पेड मीडिया वो चल रही है पूरे दिन, मोदी जी दिखाते रहते हैं और तो कुछ है नहीं, हम लोग दिखाएंगे भाई, नहीं दिखाई नहीं जाएगी, विपक्ष की कुछ नहीं, काटा लग जाएगी, बाढ़ा लग जाएगी। कहाँ से आना, एक मिनट कहाँ से आना? मैं तो फिरोजपुर पंजाब से हूँ। पंजाब से आ रहे, परेशानी योगी मोदी से? नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, नहीं परेशानी नहीं है, ठीक चल रहा है। कह रहे हैं महंगाई हो गई है, इतना परेशान है जनता, त्रहमान त्रहमान कर रही है जनता, महंगाई हो गई है। सर देखिए इसके बारे में व्यू नहीं कर सकते क्योंकि जो है सो है, वो तो सबको दिख रहा है ना, ठीक है ना, वो सब जगह ही है, स्टेट्स में भी सब कुछ यही हाल है। योगी मोदी कहीं ठीक लगते हैं आपको? नहीं योगी मोदी ठीक चल रहे हैं, वो अपने सर देखिए योगी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो एक बेसलाइन पे काम कर रहे हैं, वो अभी नहीं दिखता, कहते आने वाले टाइम में देखा जाएगा। पंजाब की राजनीति जो अभी उथल पुथल चल रही है उसे कैसे देखते हैं सर? पंजाब की जो राजनीति में उथल पुथल चल रही है, सिद्धू का जो धमाल चल रहा है सर, सिद्धू जी की तो समझ ही नहीं आई अभी तक, किसी को भी नहीं समझ आ पा रही कि वो हो क्या रहा है सिद्धू जी के राज में, कि कभी इधर हो जाते हैं, कभी संभाल लेते हैं प्रधानगी और कभी छोड़ देते हैं। यूपी में आके अच्छा लगा, बट यहाँ पे ऑटो वाला का रेट बहुत हाइक पे चलता है, मतलब ये लोग इतना चीटिंग करते हैं ना, हाँ मतलब बहुत चीटिंग करते हैं, कि जैसे हम लोगों से बाहर से आते हैं तो हम लोगों से 100 रुपी ले लेते हैं, लोकल वालों से 10-15 रुपये में चल पड़ते हैं ये, मतलब ये चीटिंग चल पहचान लेते हैं, हाँ पहचान लेते हैं ये लोग, लूटखोरी। लोग पब्लिकली ठीक हैं, लोग अच्छे हैं, यहाँ के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा सुनते हैं? सर योगी जी ने जो काम किए हैं, जितना दिखाया जाता है कि यूपी में ये हुआ है, यूपी में पुअर्स को काफ़ी हेल्प मिली है, तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी ने अच्छा काम किया अभी तक, जो जितना सुना हमने वहाँ पे अच्छा काम किया उन्होंने।